भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक सोमवार को गांव ठेनुआ में संपन्न हुई, जिसमें संगठन के विस्तार पर जोर दिया गया। बैठक में किसानों के प्रति शासन प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए आंदोलन की रणनीति के तहत 1 सितंबर से 3 सितंबर तक मथुरा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय शिविर को लेकर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह और संचालन ओमवीर सिंह ने किया। इस मौके पर देवेंद्र सिंह, हरिकिशन, नवल सिंह, ज्ञान सिंह, नीरज चंद्रवीर आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पे मीटिंग रखी गई। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने किसानों की आवाज़ सुनकर आप हमारे बीच आए। और आज इसमें दिनांक 20 अगस्त को गांव ठेनुआ में जो बैठक हुई है, संगठन की मजबूती को लेकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, इसको विस्तार कर रहे हैं। क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर जो है मजबूती मिलेगी संगठन को, तो हम ही तभी किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ सकेंगे। और किसानों पर हो रहे अत्याचार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़े किसान मजदूरों की, हम लड़ाई लड़ने को आगे तैयार है। भारतीय किसान यूनियन ना कभी पीछे हटी है और ना कभी पीछे हटेगी। देखो, ठेनुआ में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में भारतीय किसान यूनियन की ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। भारतीय किसान यूनियन गांव में घर घर तक, किसान तक पहुंचकर अपना विस्तार करती है। और उसी विस्तार की नीति को लेकर के आज हम यहां ठेनुआ में इकट्ठे हुए हैं। किसान की जितनी भी परेशानियां होती हैं, जिला स्तर की जो इकाई हैं, तहसील स्तर की इकाई हैं, गाँव की समस्याओं को पहुँचाने के लिए हम लोग गाँव में इकाई बनाते हैं। गाँव की इकाई से ही हमें पता चलता है कि ठेनुआ में या फिर बेरा में या मुड़लिया में या दिलूपट्टी में किस गांव में क्या परेशानी है। उसी क्रम में आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं जी। यहां पे किस क्या क्या पद दिए गए हैं और कितने गांव में आज आपने मीटर की? यहां पवन जी, एक तो हमने ब्लॉक सचिव के लिए पद दिया है, ब्लॉक की कार्यकारिणी में ठेनुआ गांव से शामिल किए गए, और पूरे गाँव की कार्यकारिणी बनाई गई है। गाँव में ग्राम अध्यक्ष, ग्राम महासचिव, ग्राम सचिव, ग्राम संगठन मंत्री के अलावा अन्य भी जो कार्यकारिणी के पद होते हैं, वो आज गांव में पूरी कार्यकारिणी हमने यहां बनाई है। इसके अलावा पहले से आप भी परिचित हैं, ठेनुआ गांव से हम तहसील में भी जिम्मेदारी ले चुके हैं।